आज हम आपके लिए एसएनसी लेवलिन की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं। एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे से ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जिसके लिए कोई एग्ज़ाम, कोई फीस नहीं है, परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए। जो लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी लास्ट डेट, इसकी सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको सबका सीधा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक सिविल इंजीनियर हैं और अगर आप लोग अपनी फर्स्ट जॉब को ढूंढना चाहते हैं, बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनको फर्स्ट जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए सिविल गुरुजी आप सबके लिए यहाँ पे 2 डेज़ की वर्कशॉप लेके आ रहा है, जहाँ पे आपको लाइव डेमो दिया जाएगा कि इंटरव्यू में एंट्री करने समय सैलरी स्लिप को कैसे फाइनल करते हैं। इसी के अलावा आस्क योरसेल्फ, यानी कि कंपनी में इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, इसी के अलावा इंटरव्यू को मजबूत कैसे करना है या फिर कंपनी को, ठीक है, इसी के अलावा कंपनी से क्या सवाल पूछना चाहिए, इसी के अलावा आपकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब के रिलेटेड एक 2 डेज़ का वर्कशॉप यहाँ पे आप सबके लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 450 इंजीनियर्स के पास ही ये मौका है जो इसमें यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। 10th and 11th of April सुबह 9 से लेके 10 रात के सॉरी रात के 9 से लेके 10 बजे तक आपकी ये वर्कशॉप चलने वाली है। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचर हैं वो पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिनको 9 ईयर ऑफ कॉरपोरेटिव एक्सपीरियंस है, ठीक ठाक ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट और इसका पोर्टफोलियो मिल जाएगा। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे इनरोल करने की सब डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, ऐसे वर्कशॉप में आप सब अटेंड ज़रूर करिए, स्पेशली अगर आप लोग एक फ्रेशर हैं या फिर अभी आप लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, तो आपके लिए चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि एक जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होता है डर, आपके मन से डर निकल जाता है इंटरव्यू का, आप अगर ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं। मैं मानता हूँ कि तब भी थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, बट कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं एक आ जाता है कि अगर हमसे इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो हमें ऐसा जवाब देना पड़ेगा। और एटलीस्ट जो हमारे टेबल मैनर्स होते हैं कि इंटरव्यू के सामने आखिर बिहेव कैसे करना है, पेश कैसे आना है, अपनी एटीट्यूड कैसे बनाना है, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कैसे करना है, मेन चीज़ वो होती है। क्योंकि इंटरव्यू में जो सिलेक्शन होता है उसमें 90% रोल आपकी पर्सनालिटी ही निभाती है। मानिए ना मानिए, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपके मार्क्स, आपकी स्किल्स सब सेकेंडरी होती है। फर्स्ट इज़ योर एटीट्यूड, फर्स्ट इज़ योर पर्सनालिटी। तो उसको आखिर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इवन आप कमरे में घुसते ही साथ आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वही आपका यहाँ पे मेन चीज़ होती है। वो सब की डिटेल यहाँ पे शायद आपको दी जाए, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। बाकी अगेन इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम एसएनसी लेवलिन की तरफ से, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही बड़ी और फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। इनका एचओ यूएस में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती रहती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रेशर के लिए वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम आती है, और इस बार यहाँ पे फाइनली फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे पोस्ट निकल के आ रही है ग्रेजुएट इंजीनियर जियो टेक्निकल के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोकेशन बेंगलुरु, मार्केट एनवायरनमेंट एंड जियो साइंस। इसी के अलावा रेफरेंस कोड आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एटकिंस ग्रेजुएट इंजीनियर जियो टेक्निकल, क्वालिफिकेशन में BE/BTech इन सिविल एंड अगर MEM/TECH इन फाउंडेशन और ग्राउंड इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अगर सिर्फ BTECH वाले हैं तब भी जा सकते हैं, अगर BTECH प्लस MTECH है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे
आप उस केस में भी जा सकते हैं। SNC-Lavalin एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेज देती है, कुछ साल बाद सीधे आपको अमेरिका भेज देती है, तो और वहाँ पे सैलरी पैकेज जाके आपके बहुत हाई हो जाते हैं, तो इस तरह से पूरा करियर ही सेट है। बट अगेन यहाँ पे देखिए, फॉर्म ठीक से भरिएगा, हर किसी को ये नहीं लेती है, बस जो डिजर्विंग होते हैं उन्हीं को ही लेती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खुद को डिजर्विंग बनाओ ताकि एक कंपनी आपके पास आए, ठीक है। हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में मत लिया करिए आप लोग। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जियो टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए, लाइक प्लासिक 2D 3D स्लोप, इसी के अलावा जियो स्टूडियो और रैप्चर की ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ हमारे बेसिकली इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इंडिया में ये इतने कुछ खास कॉमन नहीं है, ठीक है, मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। इसी के अलावा थोड़ी बहुत सॉइल स्ट्रक्चर की जानकारी होनी चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पे आपको अगर एक्सपीरियंस है रॉक मैकेनिक्स में, सिस्मिक इंजीनियरिंग में, बाइंडिंग में और टनलिंग में, तो यह अच्छी बात है। टनलिंग में एक्सपीरियंस खैर आपको मिल जाएगा, टनलिंग का काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, वहाँ पे भी सॉइल का काफ़ी होता है। बेसिकली जियो टेक्निकल होता है हमारा, जिसमें हमारा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारा RMR होता है, रॉक मास रेशियो टेस्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। जिनको नहीं पता वो गूगल कर सकता है। इसी के अलावा मैंने एक वर्कशॉप भी ली है टनलिंग पे, आप उसको रेफ़र कर सकते हो, आपको उसका काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस भी मिल जाएगा। इसी के अलावा आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, MNCs में इंग्लिश का ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपकी रिटन और कम्युनिकेशन स्पोकन इंग्लिश काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसी के अलावा आपको गुड इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाता है, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम EAP मिल जाता है, इसी के अलावा लर्निंग डेवलपमेंट ट्रेनिंग करियर सेंटर यहाँ पे आपको भी मिल जाते हैं। तो जो लोग चाहते हैं यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा मौका है। ज़्यादा जानकारी एटकिंस कभी नहीं देता है, बस इतना ही बताता है। बाकी थोड़ी बहुत और भी पोस्टें निकल के आ रही हैं, बट या तो वो हाई एक्सपीरियंस की हैं या तो वो कहीं किसी और ब्रांच से बिलोंग करती हैं, तो मैं सबको यहाँ पे देखिए आपके सामने डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट जो मतलब भर की है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर लिया है। बाकी आप देख सकते हो ये और पोस्ट निकल के आ रही है असिस्टेंट इंजीनियर कि यहाँ पे लेके 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। ऐसी और यहाँ पे बहुत सारी और पोस्टें भी हैं, अपने हिसाब से इनको आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर सकते हैं। एटकिंस का अगेन कुछ भरोसा नहीं होता है, आज है कल को पोस्ट हटा दी जाएगी, तो एज सून एज पॉसिबल ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी अगेन सब जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट भी मैंने इसे अपडेट कर दिया है, तो वहाँ से भी आपको इसका रेफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिए। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। So thank you and God bless all of you.